प्यासे हैं लोग, घट्टे घट्टे पानी चाहिए, उस पर भी हम राजनीति करेंगे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि कोई तकलीफ में दुख में है तो हिंदुस्तान के आदिवासी, उनकी कोई आवाज नहीं है। ये आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है, थम गई सांसें, थम गया कारवां। समाजवाद का एक और धुरंधर भारतीय राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए प्रस्थान कर गया। लोहिया और जेपी की विरासत का एक और नेता दुनिया को अलविदा कह गया। फोर्स है, पुलिस है, फौज है, ईडी है, सीबीआई है, इतने हथियार लेने के बाद भी फिर बयानबाजी दे रहे, फिर गाल बजा रहे। क्यों गाल बजा रहे? आपको गाल बजाने के लिए नहीं दिया, हमको दिया गाल बजाने के लिए। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुरुवार की रात गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। शरद यादव 75 साल के थे, लंबे समय से बीमार थे, तबीयत ठीक नहीं थी। गुरुवार की रात भी जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि समाजवाद और सामाजिक न्याय की यह आवाज अब खामोश हो गई है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि कोई तकलीफ में दुख में है तो हिंदुस्तान के आदिवासी, उनकी कोई आवाज नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि ये जो सिक्स शेड्यूल है मणिपुर से लेकर के सब जगह इसको लागू करने का काम करिए। शरद यादव के निधन की खबर आते ही राजनीतिक गलियारों का माहौल गमगीन हो गया। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी दलों के नेताओं ने शरद यादव को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने लिखा कि शरद जी के निधन से दुख हुआ, अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने खुद को बतौर मंत्री और सांसद के तौर पर स्थापित किया। वो डॉक्टर लोहिया से बहुत प्रभावित थे। हम दोनों के बीच की बातचीत को मैं हमेशा संजोकर कर रखूंगा। परिवार और उनके प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। शरद यादव के निधन पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने सिंगापुर से बयान जारी कर दुख व्यक्त किया। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। लाखों लाख अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दे। शरद यादव वो राजनेता थे जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में पटखनी दी थी, लेकिन लालू कहते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक थी, निजी तौर पर कभी कोई बिगाड़ नहीं था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शरद यादव को श्रद्धांजलि दी और उनके सिद्धांतों पर चलने की बात कही। कुछ दिनों पहले ही हमारी उनसे बात भी हुई थी, स्वस्थ थे और बार बार यही कह रहे थे कि आगे जो चुनौतियां हैं समाजवादियों के आगे, उसको निपटने में आगे बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ो। और हम सब लोग आज उनके ना होने पर सभी लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं, और हम लोगों की कोशिश होगी कि उनके राह पर हम लोग चलें और सामाजिक न्याय को अंतिम मंजर तक पहुंचाने का काम करें। 1 जुलाई 1947 को जन्म शरद यादव 7 बार लोकसभा सांसद रहे, 3 बार उन्हें राज्यसभा भेजा गया। शरद यादव एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीता। शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ। उन्होंने यूपी, एमपी, बिहार में लोकसभा चुनाव जीते। 1999 के लोकसभा चुनाव में शरद यादव ने लालू प्रसाद को हराकर इतिहास रच दिया था। शरद यादव अपने स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते थे। देश की राजनीति में पिछड़ों को आगे लाने की लड़ाई में इनकी भूमिका अहम रही। 1989 में पहली बार शरद यादव केंद्र मंत्री बने। 1999 में वाजपेयी सरकार में अलग अलग मंत्रालय संभाला, सिविल एविएशन, श्रम मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे। शरद यादव का लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है। राजनीति में बहुत कम लोग होते हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों को साधने में सफल होते हैं। शरद उन्हीं में से एक थे। शरद यादव के जाने के साथ ही समाजवादी आंदोलन की एक और कड़ी टूट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक